नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। दुनिया भर के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। दिल्ली में बजट को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा आज पता चलेगा बीजेपी को दिल्ली की कितनी परवाह। कोटा में 2 दिनों तक न कोई क्लास और न ही कोई कोचिंग होगी। कोचिंग छात्रों का फन फेस्टिवल कोका आज से। फार्मर्स कॉलेज में हुआ 2 दिवसीय फेस्टिवल का आगाज। कल दशहरा मैदान में होंगे रंगारंग कार्यक्रम। करीब 1.5 लाख कोचिंग स्कूल स्टूडेंट्स करेंगे शिरकत। 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे जल्द बनकर तैयार होगा, ऐसा कहा निर्मला सीतारमण ने। कोटा में क्या कम होगी कोचिंग पर लगने वाली जीएसटी? आम बजट से कोचिंग सिटी कोटा को सबसे बड़ी अपेक्षा। फिलहाल कोचिंग फीस पर लगता है 18% जीएसटी। जीएसटी बैठकों में मंत्री धारीवाल ने कई बार उठाया मामला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिलाया था राहत दिलाने का भरोसा। राजधानी जयपुर में ऊर्जा मंत्री के शहर की जनता का दर्द, कैसे देखे आम शहरी बजट? क्या वाकई सीईएससी कंपनी को नहीं मंत्री की चिंता? पावर कट के चलते कैसे देखें बजट? बीकेएसईएल के अधिकारियों को जनप्रतिनिधि कर रहे हैं फोन। निर्भया केस में दोषी विनय की दया याचिका हुई खारिज। राष्ट्रपति ने खारिज की विनय की दया याचिका। राजसमंद में भाणा गांव में एक व्यक्ति को बंधक बनाने की सूचना आई सामने। 10 दिनों से बना रखा है बंधक। सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। कांकरोली थाना क्षेत्र के भाणा गांव का यह मामला। आज मंत्री सालेह मोहम्मद का जन्मदिन। मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम पायलट ने भी बधाइयां दी। वसुंधरा राजे और डॉक्टर सीपी जोशी ने भी शुभकामनाएं दी। बजट 2020 में भारत में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हेतु एशियन अफ्रीकी छात्रों के लिए इंडिया एसएटी एग्जाम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा बताया। सटासट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।